नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल क्रिप्टो करेंसी गुरु में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन को लेकर और कुछ न्यूज़ को लेकर कि क्या चल रहा है बिटकॉइन इंडस्ट्री में इंडिया में। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिख रहे रेड बटन पर प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये राइट हैंड में आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस के जो लिंक हैं वो आपको मिल जाएंगे। ये हमारा फेसबुक लिंक है और ये टेलीग्राम लिंक है, तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं, जिससे वहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेट और वीडियोस हैं वहाँ मिलती रहेंगी। और आप हमारे जो टेलीग्राम पेज है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस टेलीग्राम पेज लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक नया पेज ओपन हो जाएगा और आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल में हम डेली डे वाइज टाइम टू टाइम जो सिग्नल्स हैं क्रिप्टो करेंसीज में कि किस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस में अप एंड डाउन हो सकता है, तो जिससे कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट आपको हो सकता है। और जो प्रॉफिट लोगों को अर्न हुआ है उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आप क्रिप्टो करेंसी गुरु सिग्नल नाम से एक चैनल बनाया है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट हो और जो सिग्नल हो वो मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की ओर। दोस्तों, न्यूज़ है इंडिया में बिटकॉइन के इफेक्ट को लेकर। आपको पता ही होगा कि बिटकॉइन की पॉपुलैरिटी मार्केट में कितनी ज़्यादा हो चुकी है। मार्केट को छोड़िए, दूसरा संसद तक भी इसकी जो गूंज है वो अब दिखाई देने लगी है, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं संसद में इसके ऊपर हो चुकी हैं पीछे कुछ दिनों में। तो बिटकॉइन के इफेक्ट को लेकर एक आर्टिकल आया है टाइम्स ऑफ इंडिया में, उसमें लिखा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी में जो एक्सचेंजेस हैं कि किस तरह की लंबी लाइन उसमें लगी हुई है। तो दोस्तों, ये कल की न्यूज़ है 4 तारीख की। इसमें उन्होंने कहा है कि पिछले 20 दिनों से इतनी ज़्यादा संख्या में रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं कि लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे जैसे बिटकॉइन का, रिपल का, लाइटकॉइन का, इथेरियम का, जो ऑल्ट कॉइन से सभी का रेट बढ़ा है और लोगों को जैसे जैसे प्रॉफिट हुआ है उसको देखते हुए काफ़ी लोगों में इस क्रिप्टो करेंसी के प्रति काफ़ी उत्साह बढ़ा है और वो भी इस इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। दोस्तों, बेंगलुरु बेस्ड जो यूनोकॉइन कंपनी है वो 2016 दिसंबर यानी दिसंबर 2016 का ये आंकड़ा है कि एक दिन में 1000 रजिस्ट्रेशन होते थे, यानी कि पिछले एक साल हम वापस चले जाएं तो एक दिन में 1000 रजिस्ट्रेशन होते हैं। लेकिन अगर हम आज की बात करें, पिछले महीने की अगर हम बात करें, तो एक दिन में 10000 रजिस्ट्रेशन यानी कि 10000 नए रजिस्ट्रेशन पर डे होते थे यूनोकॉइन में, अकेले यूनोकॉइन में इंडिया में। तो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल जो इसका यूज़र बेस है उन्होंने अभी 10 मिलियन सब्सक्राइबर यानी कि 10 मिलियन जो यूज़र बेस हो चुका है जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं। कॉइन सिक्योर ने भी एक मैसेज दिया है कि उन्होंने जो KYC का प्रोसीजर है उसको थोड़ा सा आसान बना दिया है लोगों को, और उन्होंने मैसेज भी कर दिया कि ताकि आप सभी लोग अपना नो योर कस्टमर यानी KYC का जो प्रोसेस है उसे कम्प्लीट कर लें। इसी तरह से जैप पे में भी लगभग जैप पे के 2 मिलियन यूज़र हो चुके हैं जो 20 लाख बैठते हैं, और जैप पे में जो लगभग डेली जो एवरेज रजिस्ट्रेशन अब नए यूज़र जो जुड़ते जा रहे हैं, लगभग 3 से 5 हज़ार के बीच में नए यूज़र बेस जैप पे के साथ ऐड होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों, बिटकॉइन का जैसे जैसे रेट बढ़ा है, अभी बिटकॉइन का जो करंट रेट है वो लगभग 10-11 लाख रुपए के आसपास चल रहा है इंडिया में, और वो काफ़ी हाई चला गया था पिछले महीने। अभी फ़िलहाल 10 लाख रुपए पर ये ट्रेड कर रहा है। तो ये न्यूज़ थी टाइम्स ऑफ इंडिया में, उन्होंने बताया है, पब्लिश किया है कि काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यूज़र्स को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में जो नए रजिस्ट्रेशंस हैं वो एक्सचेंजेस पर हो रहे हैं, उसी को लेकर एक्सचेंजेस काफ़ी दिक्कत में हैं। बिटकॉइन को लेकर काफ़ी जो कंट्रीज़ हैं वो अभी अपना जो पक्ष है वो अभी क्लियर नहीं कर पाए हैं, और बाइनेंस एक्सचेंज और KU कॉइन एक्सचेंज जो हैं वो भी अपना फ़िलहाल यूज़र जो नए रजिस्ट्रेशंस हैं वो अभी उन्होंने बंद कर रखा है। बिट्रैक्स ने भी बंद कर रखा है, क्योंकि डे बाय डे लोगों में इसके प्रति जानकारी बढ़ती जा रही है और वो जल्दी से जल्दी इस मार्केट में आना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये न्यूज़ थी बिटकॉइन को लेकर। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगे तो कम से कम एक लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और लाइक बिल्कुल फ्री है। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसे ज़रूर आप ज्वाइन कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस जानकारी को जानकर हमारे चैनल के साथ जुड़ सकें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।